मेरा नाम है प्रेम प्रकाश, मेरा शॉप नेम है प्रेम सब्लिमेशन, मेरा जो शॉप एड्रेस है बालोद छत्तीसगढ़ है। मेरा पूरा ऑनलाइन वर्किंग है प्लस प्रिंटिंग का काम है। फैमिली में मैं हूँ, मेरा मिसेस है, दो बच्चे हैं और मम्मी पापा और भाई बहन। अनुभव बहुत अच्छा ही रहा। एपीएस ग्रामीण एरिया है अपना, एपीएस के लिए एपीएस से पैसा जो निकालते हैं वो बैंकिंग जाने के लिए करीबन 15 से 20 किलोमीटर गांव के लोग बैंकिंग जाते हैं। जो मैं अच्छा खासा सर्विस मैं अपने गांव में रहकर ये सब दे रहा हूँ, प्लस इसमें बिजली बिल का भी सर्विस है, रिचार्ज का भी सर्विस है। लोगों को बार बार भटकना पड़ता था तो वो ना करके वो मेरे पास ये सब सर्विस ले रहे, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बेटर है और बहुत अच्छा ही सर्विस दे रहे हैं। पैन कार्ड का भी सर्विस एड हुआ है, रेलवे टिकट का भी सर्विस एड हुआ है, वो सर्विस बहुत अच्छा है। वो सर्विस मैं ले रहा हूँ और दे भी रहा हूँ कस्टमर लोगों को। पैन कार्ड भी बना रहे हैं, तुरंत ही बन जा रहा है पैन कार्ड भी। ये भी सर्विस मुझे बहुत अच्छा लगा। और रिचार्ज वगैरह का तो सर्विस है ही, बिल पे का भी सर्विस है, और तीन में है अपना तो यही पे सबसे बेटर और सबसे अच्छा। और सेकंड हो गए रिचार्ज का सर्विस, और तीसरा जो है बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट भाई में हम सर्विस दे रहे हैं। जैसा फर्स्ट तो एईपीएस का सर्विस हो गया, तो एईपीएस में बैलेंस इंक्वायरी हो गया, मिनी स्टेटमेंट हो गया, इसके बाद अपन दे रहे हैं रिचार्ज का सर्विस दे रहे हैं, बिल पेमेंट दे रहे हैं, पैन कार्ड का भी सर्विस दे रहे हैं, रेलवे टिकट का भी सर्विस दे रहे हैं। अपना जो एरिया है जो बालोद छत्तीसगढ़ वो पूरा किसानी एरिया है, तो किसान लोग ज्यादातर आते हैं रिचार्ज के लिए आते हैं, वही पेमेंट निकालने के लिए आते हैं, मनी ट्रांसफर के लिए आते हैं। जो मित्र है उसका रिचार्ज नहीं होने पर सर्विस बंद कर देता है सर, वो मेरे पास कॉल किया था, उसके मोबाइल में रिचार्ज बहुत जरूरी था, मैं रिचार्ज किया था, जो भी है प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हुआ था, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ था। इंजीनियर भाई से जुड़ने का कारण यही कि इतना जो है ऑनलाइन वर्किंग का काम है, और इधर ग्रामीण एरिया में होता क्या है, बैंक तो काफी दूर रहता है, मतलब 15 से 20 किलोमीटर जाना पड़ता है बैंकिंग सर्विस लेने के लिए, तो गांव के लोग जो है बहुत इधर उधर भटक रहे थे और उसको सर्विस अच्छे से नहीं मिल पा रहा था। बैंकिंग भी 15 किलोमीटर लोग जाते थे और प्लस लंबा लंबा लाइन लगकर सुबह से शाम तक वो लोग तो वहां जाकर रहते थे बिना खाए पिए जो भी है। वो सब प्रॉब्लम को देखते हुए सर मैं 10 ईयर का सर्विस एक्टिव किया और यहाँ गांव में रहकर मैं सर्विस दे रहा हूँ। मैं 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ 10 ईयर वाले से। सपोर्ट सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, वो मुझे बहुत बेटर लगे। प्लस आरएम लोग जो भी है कंपनी मेंबर, वो लोग भी अच्छे खास सपोर्ट करते हैं, कॉल मैसेज उन लोगों का पर्सनली भी आता रहता है, ये सब चीज मेरे को अच्छा लगा। तो ऑलरेडी बेटर है ही, क्योंकि पहले तो एप्स मोबाइल पे ही एकदम अच्छा खासा सर्विस चल रहा था, फोन सिस्टम पे भी चला रहे हैं तो सिस्टम पे भी अच्छा वर्क कर रहे हैं, मतलब है सर इसका सर्विस जो है टेक्नोलॉजी है वो काफी अच्छा है, बीच बीच में अपडेटेड देता रहता है सर, वो भी अच्छा है। दोनों परिस्थितियों में मेरे को फर्क यही नजर आया कि पहले मैं सर्विस दे रहा था वो कॉमन सर्विस था सर, मेरा दुकान था, दुकान में सामान बेचने था, मतलब उस टाइम मेरा कस्टमर कम था, इसमें कस्टमर बेस भी बढ़ा सर, और प्लस मैं सर्विस तो दे ही रहा हूँ, प्लस उसके साथ साथ मेरा जो शॉप का है वो भी कस्टमर आते हैं, ये केस करते हैं, आधार विड्रॉल करते हैं, तो ये सामान ले ले, ये सामान ले ले, ये भी होता है उसमें, मतलब 10 ईयर बाय जब से मैं लिया हूँ तो मेरा ना कस्टमर बेस एक बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत सारा जो सर्विस है सर, रिचार्ज वगैरह का और जो भी सर्विस है उसमें परसेंटेज, तो एक मंथ जो मासिक जो इनकम है, इनकम में भी मेरा ग्रोथ हुआ था। यहाँ से पहले जैसा मेरा नॉर्मल शॉप में चला रहा था, नॉर्मल शॉप में महीने का वही 10 से 15 हजार रुपीज कमा पा रहा था, जब से 10 ईयर का मैं सर्विस दिया हूँ तो समथिंग डबल ही हो गया मेरा जो सर्विस है, कस्टमर बेस भी बढ़ा और पेमेंट जो मंथली जो इनकम है वो भी मेरा अच्छा खासा बन गया। जब से पहले तो नॉर्मल शॉप चल रहा था सर, ज्यादा लोग मेरे को जानते भी नहीं थे, एक कॉमन सी शॉप था, और जब डिजिटल जो सर्विस है मैं प्रोवाइड करना स्टार्ट किया तब से आसपास के लोग मेरे को अच्छा खासा जानते हैं। यही मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, जो मेरे नाम से जानते हैं कि प्रेम प्रकाश जी है जो ये गाँव का है और वहाँ जो सर्विस दे रहा है वो बहुत अच्छा सर्विस, ये तो फर्स्ट हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 10 ईयर बाइक का जब से मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो इधर उधर जाने के लिए मेरे पास बाइक भी नहीं था,
बाइक में अपने दोस्तों से या किसी से मांग के मैं जाता था। और 10 ईयर बाइक का जब से मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं एक फोर्ड बाइक भी अचीवमेंट किया हूँ यहाँ से। और प्लस घर में जो भी थोड़ा सा स्थिति कम था, वो भी घर का स्थिति भी सुधर गया। मेरा तो एक ही उद्देश्य है यहाँ से, जैसा ग्रामीण जो एरिया है, ग्रामीण एरिया में अच्छा खासा मैं सर्विस देना चाहता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गोल है, क्योंकि यहाँ के लोग मैं देखता हूँ सर, मेरे आसपास के ही लोग हैं, बहुत इधर उधर भटक रहे थे सर, बैंकिंग सर्विस के लिए, अदरवाइज रिचार्ज। यहाँ गांव एरिया है सर, तो रिचार्ज करने के लिए भी 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो वो सब सर्विस मैं अच्छे से दे रहा हूँ, ये तो मेरे गाँव वाले के लिए और मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेरा गोल है। और प्लस मैं यहाँ से अभी तो बाइक हुआ है, फ्यूचर में कार भी हो जाएगा, ये मेरा मतलब गोल सेटिंग है। 10 ईयर बाइक जो है अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, AEPS का सर्विस, सबसे मेन बात है बैंकिंग जो अच्छा खासा जो सर्विस दे रहे हैं। और मैं 10 ईयर बाइक का जो सर्विस है और जो रिटेलर लोग हैं उसको एक ही संदेश दूंगा कि 10 ईयर बाइक से जुड़े रहो, इसमें बहुत अच्छा खासा बेनिफिट भी है और सर्विसेज भी बहुत अच्छा खासा है, सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ का बहुत अच्छा है।